YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत-ए-हाल दुनिया में फैल रही है वो बहुत ही तश्वीशनाक है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है नंबर्स की, वो ऐसे ही है कि जैसे हम पहाड़े याद करते थे कि 2 × 2 4 और 4 × 4 16। ये वाली सूरत हाल है, बहुत ही तश्वीशनाक सूरत हाल है। कोरोना वायरस की इस इंतहाई गंभीर सूरत हाल में कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं जो मिस हो रही हैं, और ख़ास तौर पर साउथ एशिया से मिसिंग लोगों की जो ख़बरें हैं वो बुरी तरह मिस हो रही हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बलूचिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसके मुताबिक उनका कहना है कि उनके इतने लोग मिस हैं। आप ये रिपोर्ट स्क्रीन पे देखिए। इसी तरह एक और मिसिंग खबर गिलगित बल्तिस्तान से है, जहां से जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि COVID-19 का वो मुकाबला करना चाह रहे हैं, मगर उनको पुलिस मार पीट रही है। इस सिलसिला में एक वीडियो क्लिप देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खुला धरती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खुला धरती नहीं चलेगी। दहशतगर्दी बावजूद, रियासती दहशतगर्दी बावजूद, रियासती दहशतगर्दी बावजूद, मेरे ख्याल में ये रियासती दहशतगर्दी है, इसको रोकना चाहिए। जब डीसी पासेस जारी करता है तो फिर कोई तुक नहीं बनता है कि डीसी एसी को कि वो आके उसको तशद्दुद का निशाना बनाए और उसे काम से रोके। जब तक सहाफ़ी निशानदही नहीं करेगा तब तक ना तो एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब होती है ना सूबाई हुकूमत कामयाब होती है। हम समझते हैं कि एक पर हमला सब पर हमला है। सहाफ़ियों पर लॉकडाउन के दौरान जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनमें यह कोई पहला वाक़िया नहीं है। इसके अलावा भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा पासेस को भी मुख्तलिफ मकाम पर उनको फाड़ दिए गए हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो साफ़ी अपने आखिरी ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में ही डॉक्टर्स का भी प्रोटेस्ट जारी है। उनका कहना है कि उनको ना तो हिफाजती आलात मुयस्सर हैं और ना ही ऐसी सूरत हाल जिससे वो मुकाबला कर सकें। इस COVID-19 की बीमारी का, इस मोहलक वबा का, तो उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट क्वेटा में किया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
ویری گڈ. ادھر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ کووڈ 19 کی جو یہ سچویشن ہے اس کا آپ کو ایک فائدہ بھی ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ دبے بیٹھے ہیں اور آپ کی خدمت سے جو آپ عوام کی کریں گے آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا اور زیادہ امکان ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے جیت سکیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان اس انتہائی مہلک وبا سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے چکر میں زیادہ ہیں. بہرحال اس موقع پر اس طرح کی بات سیاسی سطح پر نہیں کہنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, مگر عمران خان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. کہ خوش قسمتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ کی ساری جو ایفرٹ ہوگی وہ آپ کے ذریعے ہوگی, یا یعنی آپ کے ذریعے ان دا سینس کہ وہ آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی. تو ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی بھی آپ کے لیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے حلقے کو سیکیور کر لیں اگر آپ نے لیڈرشپ دکھا دی. آپ کے مخالفین کے لیے بہت ہی برا وقت آ گیا ہے, وہ صرف ایک کام کریں گے کہ ہر جو بھی ہم چیز کہیں گے وہ کہ یہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا, اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. ایک طرف دنیا اس مہلک وبا سے بری طرح نڈھال ہے اور دوسری طرف عمران خان حسب معمول آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوتوا کا جو ان کا اپنا پرسیپشن ہے اس کے حوالے سے مسلسل ٹویٹس دے رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی جو سبرامونیم سوامی جی کا ہے وہ بھی ٹویٹ کیا اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ کتنی یہ فاشسٹ تنظیم ہے. وہ ویڈیو کلپ جس طرح انہوں نے پیش کیا وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکس ہے, لیکن بہرحال عمران خان جب یہ باتیں کرتے ہیں تو نہ ان کو بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کی صورتحال ہے, جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ اس کی بات نہیں کرتے, اور نہ ہی گلگت بلتستان کے ایشوز کی بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان اس سلسلہ میں لاک ڈاؤن کو ایک بار پھر اپنی ٹویٹ میں زیر بحث لاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن یونیورسٹیوں کا, مالز کا, ان سب جگہوں کا ہو چکا ہوا ہے, مگر وہ عام زندگی میں لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر سکتے. ادھر بھارت میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے 21 دن کا لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے, اور اس لاک ڈاؤن کے دوران گزشتہ اتوار کی رات کو 9:09 کے لیے انہوں نے دیے جلانے کی ایک سمبولک بات کی. تمام بھارت میں بھارتیوں نے دیے جلائے اور وہ دیے اس بات کی سمبل تھے کہ یہ جو کرونا وائرس کا اندھیرا ہے اس کے خلاف اجالے کی بات کی جائے اور اس کے خلاف بھارتی اکٹھے ہوں. اکٹھے ہونے سے مراد پرائم منسٹر نریندر مودی نے واضح طور پر کی کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ یونائٹ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے. اس سمبولک ایکٹ کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج اپنے ویڈیو کلپ میں جو بات کی آپ کو ہم سنواتے ہیں. بھارت کے اب تک کے پریاسوں نے دنیا کے سامنے ایک الگ ہی ادھارن پرستت کیا ہے. بھارت دنیا کے ان دیشوں میں ہے جس نے کورونا وائرس کی گمبھیرتا کو سمجھا اور سمے رہتے اس کے خلاف ایک ویاپک جنگ شروع کی شروعات کی. بھارت نے ایک کے بعد ایک انیک نرنے کیے, ان فیصلوں کو زمین پر اتارنے کے لیے بھرسک پریاس کیا, سبھی سرکاروں کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھنے میں کوئی کمی نہ رہے اس کی چنتا کی. اور جیسا آپ جانتے ہیں ایک ایسی بیماری تھی جس کا روپ رنگ کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کیسے آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, کس کے پاس پہنچتی ہیں, کچھ پتہ نہیں تھا. تب
जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी एक्सपर्ट्स की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। कोविड 19 की गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इसके पॉजिटिव टेस्ट में पहले आए, फिर वो घर में रहे, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वो चंद घंटे पहले आईसीयू यूनिट में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी सेहत के बारे में भरपूर तश्वीश है और इस बात से अंदाज़ा होता है कि कोविड 19 किस कदर मोहलक है, कितनी एहतियात ज़रूरी है। ये किसी लीडर को, किसी आम शख्स को, किसी स्पिरिचुअल लीडर को बिल्कुल कोविड वायरस खातर में नहीं लाता, जिससे चमट जाता है उसकी ज़िंदगी खतरे में चली जाती है। अमेरिका में सूरत हाल बहुत गंभीर होती जा रही है। अमेरिका इस वक्त कोविड वायरस के इन्फेक्टेड केसेस में टॉप पे जा चुका है। 3 लाख से लोग कोविड वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं और 10,000 से ज़ायद लोगों की जानें जा चुकी हैं। और कनाडा में हमें इससे बहुत तश्वीश है, बिकॉज़ कनाडा में जो ट्रैफिक अमेरिका की तरफ से भी बहुत रही और यूरोप की तरफ से भी बहुत रही, कनाडा में भी ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। 15,000 से ज़ायद केसेस अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं और 300 के करीब डेथ्स भी कनाडा में हो चुकी हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रोज़ अपने प्रेस ब्रीफिंग में सूरत हाल से कैनेडियन को आगाह कर रहे हैं। कैनेडियंस को एमरजेंसी रिलीफ फंड भी जारी किया जा चुका है और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे निपटने के लिए दुनिया को एक बिलाशुबा एक बहुत बड़ा चैलेंज दरकार है और इससे निपटने के लिए हम सब का भी योगदान, हम सब का भी जो हिस्सा है वो बहुत ज़रूरी है कि हम आइसोलेशन के जो डॉक्टर्स ने कवानीन और प्रिंसिपल्स बना दिए हैं उन पर पूरी तरह अमल करें और उसके साथ साथ सफाई सुथराई का भरपूर ख्याल रखें और हाथ धोने में किसी किस्म की कंजूसी ना करें, बार बार हाथ धोएं। मगर एक वीडियो क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जाने से पहले, बल्कि 2 वीडियो क्लिप। एक वीडियो क्लिप में तबलीगी जमात वाले किस तरह खाने खा रहे हैं, किस तरह बर्तन धो रहे हैं, किस तरह सफाई सुथराई के मामलात को बिल्कुल खातर में नहीं ला रहे। तबलीगी जमात के इज्तमा भारत में भी और पाकिस्तान में भी अब तक सैकड़ों केसेस जो हैं वो पॉजिटिव करार पाए हैं और आगे भी वो केसेस चल रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में उनके इस जारहाना और अनसिविलाइज बिहेवियर को देखिए। इससे बचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।
बहुत आखिर में कनाडा इंडिया फाउंडेशन का मैं एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो किस तरह स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो बीमार हैं या जिन तक खाना नहीं पहुँच रहा उन तक अपनी जो नेक खिदमात हैं उन तक पहुँचाने के लिए किस जाँफशानी के साथ काम कर रहे हैं, ये वीडियो क्लिप देखिए। Welcome to the COVID-19 Help Operations Center. This is our packaging area. What you see in front of me is what we call our food staging. When the food is cooked fresh and prepared for going out, it will sit on this table to be picked up by our delivery personnel. But behind this table, we have our volunteers. Four of them are diligently engaged in packaging in reasonable quantities. Here we see potatoes being packed, and then in the smaller containers from the large bag, so that we can put them together in the food hamper. Immediately behind is another volunteer who's packaging rice. And this is also being packaged in smaller quantities for easy for transportation. And then over here, we have packaging of chana. This is done in this quantity also in the smaller bags. You will note that all of our volunteers are wearing gloves and they are wearing masks and headgear and white jackets. This is the standard procedure for maintaining the hygiene standards and the sanitization standards that we want for this operation. Here we are packing lentils, and as you will note, everyone is properly attired. The entire area is sanitized regularly. And here's an example of the bag of grocery that we may send out. We are still not sure about the bags. We are looking for these bags. They've got to be at least 18 inches wide at the bottom and about 8 inches apart and about 2 feet tall in order to accommodate everything that we need. Here is the exit door that is... Anyone picking up will come to this door. This is our shipping area. And no one will be allowed to go outside. No one will be allowed to come inside. Everything is handed from the door out to the person outside. जैसे भी हालात हों, टैग टीवी की पूरी कोशिश होती है कि आप तक न्यूज़ और व्यूज भर वक्त पहुँचती रहें। आज का बिला तकल्लफ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.